स्टूडेंट, थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन कार्नोट वेपर साइकिल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कार्नोट वेपर साइकिल के बारे में बताया और इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसका वर्कडन कैसे निकालते हैं, हीट रिजेक्शन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हीट एडिशन क्या होता है, पूरी प्रोसेस जो है उसमें मैंने आपको पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उसको देखिए आप, उसके बाद ही इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, इसमें क्या क्या डाटा गिवन है और हमें क्या निकालना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन अ कार्नोट साइकिल हीट इज सप्लाइड, हीट सप्लाइड जो है वो दे रखा है कितने टेम्परेचर पे, 350 डिग्री सेल्सियस। हम हीट सप्लाइड करते हैं तो ये हायर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। एंड हीट रिजेक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हीट रिजेक्टेड करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो क्या आपका लोएस्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है। द वर्किंग फ्लूड इज वाटर, ठीक है, तो वर्किंग फ्लूड इज वाटर हो गया, तो कार्नोट जो साइकिल है वो आपकी कार्नोट वेपर साइकिल है। विच वाइल रिसीविंग हीट एवेपोरेटर फ्रॉम लिक्विड एट 350 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 350 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो है आपका कौन सा है, मतलब इतने लिक्विड डिग्री सेल्सियस पे इतने स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस पे है ना, टेम्परेचर इतना है, तो ये आपका वो सेचुरेशन स्टेज वाली लाइन है। फ्रॉम द स्टीम टेबल द एंट्रोपी चेंज, स्टीम टेबल से जो है हमने एंट्रोपी चेंज जो है उसने इसमें दे रखा है गिवन 1.438 किलोजूल पर केजी केल्विन। इफ द साइकिल ऑपरेट ऑन अ स्टेशनरी मास ऑफ 1 केजी ऑफ वाटर, स्टेशनरी मास है, एक फिक्स मास दे रखा है जो कि है 1 केजी ऑफ वाटर। फाइंड द हीट, मतलब मास मतलब एम की वैल्यू जो है वो फिक्स है, हमें कुछ चेंज नहीं करना, 1 रखना है बस। फाइंड द हीट सप्लाई, वर्क डन एंड हीट रिजेक्शन, ठीक है, तीनों चीज़ें आपको इसके अंदर निकालना है। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं क्या क्या डाटा गिवन दे रखा है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इट इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। तो गिवन डाटा क्या है, जैसे कि टेम्परेचर आपको दे रखा है, जहाँ पर यहाँ हीट सप्लाइड होगा तो ये T1 होता है और T1 T2 के बराबर होता है, तो ये होगा आपका 350 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर ये इस हिसाब से, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 इस हिसाब से ये बार पर काम करता है, ठीक है, और ये होगा आपका, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये पीवी डायग्राम और ये टीएस डायग्राम। तो ये आपका टेम्परेचर जो है टी वन टी टू बराबर होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, और लोअर पे कौन सा होगा आपका, लोअर पे होगा आपका टी थ्री वाला, तो टी थ्री इजिक्वल टू टी फोर, ये दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपका डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में अगर आपको चेंज करना है तो इसमें आपको 273 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। जब इसको प्लस करोगे, जैसे कि ये इसका प्लस, ये इसका प्लस, ये हो गया 3 एंड ये आ जाएगा आपका 623 केल्विन, ठीक है, और जैसे ही आप 25 प्लस 273 करोगे तो इसका इसमें ऐड, इसका इसमें ऐड, इसको किया ये 2 9 8 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में हमने इसको चेंज कर लिया है, जनरली हम केल्विन में जो है पैमाना निकाल के लाते हैं और चेंज करते हैं। और क्या दे रखा है आपको, एंट्रोपी चेंज दे रखी है S2 - S1, इसकी वैल्यू 1.438 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंट्रोपी की यूनिट भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। निकालना क्या है आपको, इसमें निकालना है हीट सप्लाई, हीट सप्लाई पर साइकिल। तो हीट सप्लाइड मतलब यहाँ पे हीट सप्लाइड, यहाँ पर हीट सप्लाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था S2 - S1, ठीक है, T1 या T2 रख सकते हो। तो यहाँ पर S2 - S1 की वैल्यू कितनी है, 1.438 इंटू 623, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 895.87 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये हीट सप्लाइड आ गया, मतलब क्यूब 1 से 2 हीट सप्लाइड हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, हीट रिजेक्शन आप निकाल सकते हो। हीट रिजेक्शन कैसे निकालेंगे, हीट रिजेक्टेड पर साइकिल, तो टेम्परेचर हमें दे रखा है इसके अंदर S2 - S1, हीट रिजेक्शन में क्या था T3, यहाँ पर T4 भी लिख सकते हो आप, लेकिन टेम्परेचर सेम है, तो ये है 1.438 इंटू 298 केल्विन में दे रखा है, इसलिए हमने केल्विन में चेंज करा, क्योंकि केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो आपका 128
0.52 किलो जूल पर केजी आ जाएगी, जो होगा हीट रिजेक्शन 3 to 4। दोनों चीज़ें आ गई हैं आपके पास। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है आपका हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये वर्क डन होता है। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर रखा है, जिसमें ये इसको आप सॉल्व करोगे तो T1 माइनस T3 आ जाएगा, ठीक है। तो S2 माइनस S1 कितना है? 1.438। T1 की वैल्यू हमारे पास 623 और ये 298। तो जैसे ही इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 467.35 किलो जूल पर केजी, है ना। तो ये हो गया आपका वर्क डन। तीनों चीज़ें निकल गई हमारे, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्शन और वर्क डन। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगली में मैं बात करूँगा रैंकाइन साइकिल के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, और पावर प्लांट जो है वो रैंकाइन साइकिल पे ही ऑपरेट होता है, और इससे क्वेश्चन आएगा ही 100% जो है रैंकाइन साइकिल के बारे में आपको बोलेगा, और रैंकाइन साइकिल का आपको न्यूमेरिकल भी देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि बेस्ड होगा रैंकाइन साइकिल।